हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। कल के व्हाइट बोर्ड सेक्शन में हमने बात किया था प्योर कल्चर टेक्निक के अंदर पोर प्लेट मेथड का। आज बारी आती है इसी पोर प्लेट मेथड को एक रफ एनोटेशन डायग्राम से समझने की। डायग्राम वहां पे आपको बना हुआ मिला था, यहां पे मैं एक एक स्टेप को समझाऊंगा एक सिंपल से रफ डायग्राम की मदद से। सबसे पहले हमको हमेशा की तरह एक सैंपल की जरूरत पड़ेगी, तो हम एक सैंपल प्रिपेयर करेंगे। इस सैंपल की सैंपलिंग होगी। अब ये सैंपल क्या है, सैंपलिंग क्या है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, फिर भी आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूं। सैंपल कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी अ वाटर, इट कुड बी अ सॉइल, और इट कुड बी एनीथिंग गिवन, जिसमें से हमको माइक्रोऑर्गेनिज्म को निकाल करके प्लेट में ट्रांसफर करना है, या कहना चाहिए कि उसका कल्चर करना है। सो यहां पे ये हो गया सैंपल। अगर ये सैंपल है वो सॉलिड है तो उसे हम वाटर के साथ मिला करके सॉल्यूशन बना लेंगे, और अगर ये वाटर है तो एज इट इज इसे हम यूज कर लेंगे। तो इस सैंपल को हम क्या करने वाले हैं, अब एक आपके टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। टेस्ट ट्यूब में इस तरीके से डायग्राम थोड़ा सा परफेक्ट नहीं बनेगा, तो इस टेस्ट ट्यूब में हमने आपके इस सैंपल का सैंपलिंग करके ट्रांसफर किया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी जरूरी है, वो ये कि हमने सैंपल को डायरेक्टली इसमें ट्रांसफर किया। ये देखिए, तो यहाँ पे जो कुछ भी माइक्रोऑर्गेनिज्म होंगे, जितने टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म होंगे, वो सारे के सारे इस कल्चर मीडिया में आ जाएंगे। तो ये जो कल्चर मीडिया है जिसमें आपने सैंपल को डायरेक्ट ट्रांसफर किया, ये प्योर तो होगा क्या? नहीं, ये प्योर नहीं है। ये क्या है? दिस इज अ मिक्स कल्चर। सो ये हो गया हमारा मिक्स कल्चर। अब इसी मिक्स कल्चर को यूज करते हुए हमको प्योर कल्चर को डिराइव करना है, बाय को तकनीक कोई भी हो, चाहे वो पोर प्लेट मेथड हो या कोई और टेक्निक हो, लेकिन हमको यहीं से यानी कि मिक्स कल्चर से ही बनाना है। लेकिन आज हम बात करेंगे इसी पोर प्लेट की, तो इसको समझते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए, ये मिक्स कल्चर है। इस मिक्स कल्चर में से हम 1 ml, कई बुक में आपको 1 ml लिखा हुआ मिलेगा, और काफ़ी सारे बुक में आपको मिलेगा 1 loop full, तो दोनों में से कोई भी हो, वेरिएबल हो सकता है, लेकिन ठीक है, प्रोसेस वही कहता है। तो इसमें से हम 1 ml लेते हैं, और इस 1 ml को एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। सपोज हमने इस टेस्ट ट्यूब का नाम दे दिया ए, और इस टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी लिक्विड मीडिया रखा हुआ है, और ये जो लिक्विड मीडिया है उसको हमने 42 to 45 degrees centigrade तक के टेम्परेचर पे मेंटेन किया है, ताकि यहाँ पे जो अगार है वो सोलिडिफाइड ना हो सके। सो इस लिक्विड अगार मीडिया में आपके मिक्स कल्चर का 1 ml या 1 loop full आपने ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गए, हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म आ गए। अब ये माइक्रोऑर्गेनिज्म आपको अच्छे से दिखे, इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे इसको कलर कर रहा हूँ, वो भी आप देख लीजिए। ये हमारे मिक्स कल्चर में कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म थे, तो यहाँ पे मैं सबको कलर नहीं करूँगा, जैसा मैंने व्हाइट बोर्ड में भी नहीं किया था, जैसा आपको अच्छे समझ में आता है, इसलिए सिर्फ एक कलर यूज़ करूँगा। तो यहाँ से ट्रांसफर करने के बाद कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म थोड़े से अधिक क्वांटिटी में, क्योंकि कंसंट्रेटेड इसका 1 ml है, ये यहाँ पे पहुँच गए। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस ए के बीकर के सैंपल का 1 ml या 1 loop full, जैसा हमने यहाँ पे लिया था स्टार्टिंग में, बिल्कुल यही करने वाले हैं, और हम इसे एक दूसरे टेस्ट ट्यूब जिसे बी का नाम देते हैं, इस पर ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस पर ट्रांसफर करने के कारण से यहाँ के जो माइक्रोऑर्गेनिज्म थे ए टेस्ट ट्यूब के, वो भी इसमें आ जाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, 1 ml या 1 loop full ट्रांसफर कर रहे हैं, किसमें का, जो कि ऑलरेडी डिजॉल्व है, इसमें का 1 ml ऑलरेडी डिजॉल्व है आपके लिक्विड मीडिया के साथ, तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो इसकी तुलना में कम होगा मिक्स कल्चर की तुलना में। अब जब आप बी में ट्रांसफर करने वाले हैं, तो बी के कंसंट्रेशन ए की तुलना में कम होगा, तो यहां पे जो रेड डॉट की संख्या ज्यादा है ए में, ऑब्वियसली वो बी में कम होगा। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम, देखिए इसकी संख्या थोड़ी सी हमने कम रखी है, क्योंकि आपका जो ए था वो अब ज्यादा कंसंट्रेटेड था, जबकि बी में हमने उसको 1 ml लिया तो वो डाइल्यूटेड हो गया। अब इसी प्रोसेस को हमको आगे फॉरवर्ड करना है, अब हम बात करेंगे सी में। अब हम क्या करते हैं, एक तीसरा टेस्ट ट्यूब लेते हैं सी। अब इस तीसरे टेस्ट ट्यूब में भी आप बी के सैंपल में से 1 ml ट्रांसफर करेंगे इस तरीके से, तो इस 1 ml में भी आपका जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होगा वो भी पाया जाएगा, लेकिन इसका जो कंसंट्रेशन है वो बी की तुलना में कम होगा। तो देखिए, मैं बस कुछ ही रेड डॉट लगा रहा हूँ, जो ये दिखा रहा है कि इसमें बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म की संख्या जो है वो कम है। तो यहाँ पे हमने ए से बी और बी से फिर सी में ट्रांसफर किया। अब अगली बारी क्या आती है, अब हम इन तीनों को इंक्यूबेट करेंगे एक सफिशियंट टाइम में, उसके पहले हम उसको पेट्री डिश में ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए इसे पेट्री प्लेट में भी ट्रांसफर करके देखें।
हम अब इस ए टेस्ट ट्यूब के सैंपल को एक पेट्री प्लेट में ट्रांसफर करेंगे और इसमें ट्रांसफर करने के बाद हम थोड़ा देर ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप ट्रांसफर कर रहे होंगे इस टेस्ट ट्यूब के लिक्विड को, तो आपका पेट्री प्लेट और उसका जो कवर है वो पूरी तरह से ओपन ना हो, हाफ ओपन हो, और आसपास का जो सराउंडिंग है वो स्टरलाइज कंडीशन में हो, एसेप्टिक कंडीशन आपको मेंटेन करना होगा। यहाँ पे आप ट्रांसफर करेंगे, सेम आप बी के सैंपल को भी इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए ट्रांसफर करेंगे और उसी तरीके से सी के सैंपल को भी आप इसमें ट्रांसफर करेंगे। आप एसेप्टिक एरिया का ध्यान जरूर रखिएगा, इससे माइक्रोजम की कंटामिनेशन को आप प्रिवेंट कर सकते हैं और आपका जो रिजल्ट है वह एक्यूरेट आएगा। इसके लिए कई टेक्निक्स हैं जो मैंने हम ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। फ्लेम भी रहेगा इसके चारों तरफ, तो बाहर से एयर से आने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इस फ्लेम के कारण से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से एसेप्टिक कंडीशन हमने मेंटेन किया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद इनको ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि इसमें जिसमें से आपने ए टेस्ट ट्यूब से लिया था इसमें काफी सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म नजर आएंगे क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है। आपने 1 ml डायरेक्टली इस मिक्स कल्चर से लिया था, यहां भी आप देख सकते हैं। जबकि बी में देखेंगे तो माइक्रोजम तो होगा लेकिन थोड़े कम होंगे और वो एक अलग अलग सेपरेट जैसे होंगे, जिसका हम लोग बोल सकते हैं प्योर कल्चर के फॉर्म में। जबकि सी में आप बहुत ही कम पाएंगे और वो सेपरेटेड होंगे। तो हम इस तरीके से प्योर कल्चर को इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये था आज का सिंपल एनोटेशन वीडियो जिसमें हमने बात किया प्योर कल्चर टेक्निक का और उसके अंदर भी हमने बात किया पोर प्लेट मैथड का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।